दोस्तों, अभी हम रिसेंटली गए थे चार धाम यात्रा के ट्रिप पर, तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शॉट हमने वहाँ पर किया और आप सब लोगों को मैंने बताया भी था, लेकिन ये वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पूरी यात्रा को एंजॉय करने वाले हैं और यहाँ पर जो मेरी पूरी टीम है उससे मैं आपको मिलवाऊँगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी आपको ये वीडियोज़ लगने वाली हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है ये पहली वीडियो रहेगी जिसमें आपको इंट्रोडक्शन में अपनी टीम से करा दूंगा। और अभी हम निकल रहे हैं लगभग शाम के 4 बजे करीब, तो आप जरा वीडियो को आगे देखिए। आ चुके हैं कहाँ पर हमें नहीं पता, हम कहाँ पर आ चुके हैं, एक वीरानी सड़क पे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है पेट्रोल पंप हैगा तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे देखो एक इंसान बैठे हैं, ये भी हमारी टीम के ही हैं और मैं आपको सबसे मिलवाना चाहूंगा एक बार बिल्कुल लाइन से। पहले मैं मिलवाना चाहूंगा मामा जी से। मामा जी कैमरे फ्रेम में आइए आप एक बार और बताइए आपको कैसा लग रहा है। आपने 70-80 भगाई, बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी गाड़ी एकदम मक्खन चल रही है 70-80 पे, तो आप इससे बता 100 भगा सकते हो। चलो फिर अब हम चलते सोहित भाई की तरफ। देखो भाई, सोहित भाई जो है हमसे लगभग बस 5 मिनट पीछे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे पूरे आधे नहीं 1 घंटे पहले नूरपुर आ गए, तो आप खुद समझ सकते हो उन्होंने गाड़ी चलाई नहीं उड़ाई है। तो सोहित भाई आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं कुछ। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने आपकी पोल खोल दी। बिल्कुल। अब हम चलते हैं मौसा जी की तरफ। हाँ भाई मौसा जी, आप गाड़ी बहुत बड़े चला रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई गाड़ी यहाँ पे खुद ही तेज चल रही है, क्या राज है इसका, डिस्कवर या पल्सर? भाई गाड़ी जो मक्खन चल रही है बिल्कुल, राज पाया बढ़िया। अच्छा, एकदम तेज चल रही है। ये बात, यानी कि अगर डिस्कवर होती तो हो सकता था हल्की चलती, लेकिन गाड़ी बढ़िया है। गाड़ी तो इसका मतलब मौसा जी पहाड़ों पे इस बार 80-90-100 कुछ भी भगा सकते हैं, आप बच के रहना। ये देखिए, ये कार वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दी है और पीछे से बाइक वाला ठुक गया, आपको दिख पा रहे होंगे थोड़े अवशेष पड़े हैं टूटे हुए, और ये कार वाले बाहर निकल के आ गए हैं, बहस कर रहे हैं। आपको पता है ये कार वाले बहुत उजड़ चलाते हैं गाड़ी, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, ये सेल नहीं कर पा रहे हैं आजकल। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ऐसा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। सारी दवाई देखो बिल्कुल, ये देखिए अभी नहीं, एक ही नहीं निकल रही है, अभी दो करने जा रहे हैं, सोचा भगवान के नाम अर्पण करते हैं, फिर दो करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं जहाँ से घूम के अपना वहाँ मिल दवाई के बाद। ये बात अनोखी चीज है, आपको देखने नहीं मिलती होगी, ये लसल लगा हुआ है इसमें। और ये देखिए कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, ये देखिए आप कंट्रोल कैसे कर रहे हैं रस्सियों से। फिलहाल इंसान ने जिन जिन पे कंट्रोल कर लिया इंसान के पास वो ही है। ये देखिए रात के 11 बज चुके हैं, बढ़िया बिहारी गाड़ी चला रहे हैं, सभी लोग आप देखिए ध्यान से, हम पहाड़ों पे एंट्री कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, और ये देखिए हम पहाड़ों में जाम के साथ फंस रहे हैं जगह जगह, हम आपको बता नहीं सकते कि हमारी सिचुएशन क्या हुई पड़ी है इस टाइम, हमारा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये देखिए ट्रक के बाद ट्रक, ट्रक के बाद ट्रक निकल रहे हैं, और ये हमारे दो लवारे खड़े हैं यहाँ पे जाम में। और
और इसी के साथ फाइनली हम पहुंच चुके थे हरिद्वार। और हरिद्वार में चूंकि रात के 10 या 11 बज चुके थे, तो फिर हमने यहाँ पे रुकने का फैसला किया और हम हरिद्वार में ही हमने स्टे किया। और इसके बाद हम सुबह निकलने के लिए रेडी हो गए। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट सुबह में। और ये सभी भाई रेडी हो चुके हैं? रेडी हो सभी भाई? बिल्कुल रेडी है एकदम। तो यार मौसा जी आ चुके हैं निकल कर जाने के लिए। वो हैज भाई पता ना कहाँ हैज भाई। तो देखिए हम दोनों आ रहे हैं ये 180 से अपनी काली वाली बस। अब हम बैग लेके बैग बांधने के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ हम निकलते हैं। चल। तो सुबह के बज गए हैं 5 और हमारी सकल में बज गए 12, क्योंकि हम सोए थे रात के 2 बजे और उठ गए हैं बहुत जल्दी और 5:30 बजे हम निकल रहे हैं। फिलहाल ये है मेरा एक नया चैनल, हालांकि आप सब जानते हैं कि मैं हूँ ट्रेन एडवेंचर, लेकिन अब मैं बन चुका हूँ साथ में ब्लॉग का एडवेंचर वाला लौंडा। तो आप टेंशन मत लेना, मेरे वाला चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा चारधाम का टूर, वही बहुत ही बेहतरीन डे बाय डे विद डिटेल्स। तो अभी हमें हरिद्वार, जैसा कि हम सब जानते हैं हरिद्वार एकदम बेस है इस चारधाम यात्रा का, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर होना ही था। तो कुल मिलाकर अभी हम यहाँ पर हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको अपने टीम मेंबर से ज़रूर मिलाना चाहूँगा, जिसमें से एक हमारे मेंबर्स जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बाइक कंप्लीट कर ली है और मजे से खड़े हैं। देखिएगा बिल्कुल कोई लोड ही नहीं है एकदम, लेकिन आंखों में नींद की मात्रा हमें दिख पा रही होगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं अभी और जगह घुमाता हूँ आपको। ये देखिएगा ये 2 लोग हैं, जिसमें से एक है K4 मैन, एक है रिपू भाई हमारे, और ये बाइक सही करना जानते हैं बहुत बढ़िया करके, इन्होंने सबकी बाइक सही करके दी है यहाँ पर आने से पहले। और ये हैं हमारे विकास भाई, ये हैं काशी, क्योंकि अकेले आए हैं इन्हें कोई मतलब ही नहीं भैया। तभी हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर भी पैकिंग चल रही है, ये लवी हमारा और ये हमारे मामा जी पैकिंग करते हुए, ये देखिए बिल्कुल एकदम दबाव में। और कुल मिला के भैया भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पर विनय भैया सुमित भाई लगे हुए हैं बैग बांध रहे हैं। बाबा जी नमस्कार। कितनी मेहनत कर रहे हैं शिवम भाई, बिल्कुल बैग एकदम बांध रहे हैं पीछे कैरियर पे। और कुल मिला के भाई मैं तो ऑलरेडी अपनी जो बाइक है वो तैयार कर चुका हूँ, ये देखिए। तो बस अभी हम निकलते हैं जल्द से जल्द, और अभी हम देहरादून होके डाक पत्थर होते हुए हम मसूरी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मसूरी वाला जो रास्ता है वो बहुत डेफिनेटली ख़तरनाक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हमने दूसरा रास्ता पकड़ा है जो नेशनल हाईवे। और अभी हमारा प्लान फिलहाल यहाँ से डायरेक्ट यमुनोत्री जाने का है और डाक पत्थर पर कुछ खाने पीने का है, तो आपको सारी कवरेज दी जाएगी टाइम टू टाइम। आप लोग जहाँ से ये गंगा जन्म ले रही है हम वहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ इसलिए नहीं नहा पा रहे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम इसलिए डायरेक्ट वहीं डायरेक्ट जा रहे हैं। ये देखिए हमारे पीछे पीछे हमारे साथ की टीम आती हुई, जैसा कि आप देख के सभी डर जाएंगे भैया, सीधे डर दे रहे हो अपने, अरे लेफ्ट 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 लेफ्ट। अब हमने एक लिया है ब्रेक और ये देखिए हमारे भाई लगे पड़े हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो ये ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं थोड़ी बहुत, अभी हमें आगे चलना है, हमें डाक पत्थर होते हुए जाएंगे, हमें डिसाइड करा डाक पत्थर ही जाएंगे और साथ में अभी हम जाएंगे और निकलेंगे बहुत दूर। और इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना हमें कि भाई कमर में दर्द, और आप सोच सकते हैं बैठे हैं तो कमर भी दर्द हो सकता है, तो बस ये 2 जगह दर्द है, लेकिन ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत 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 ज्यादा मजा आया है। तो ये देखिए सभी लोग आप
यहाँ पे 7:45 बज चुके हैं और हम यहाँ पर रुक चुके हैं चाय पीने के लिए। चाय देखिए सीएम भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखिए फोन चला रहे हैं सीएम भाई अपने, व्हाट्सएप देख रहे हैं स्टेटस। ये हमारे मौसा जी बड़े थके हुए लग रहे हैं और भाई ये देखिए इन्हें कहते हैं सेम है, साथ सेम है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। लई भाई आप क्या कहना चाहोगे? लई भाई आप हरिद्वार से चलकर आ रहे हो, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आपको मिर्चा खाने का मन है तो आप भी मिर्चा खाइए, हम आपसे कुछ नहीं करते। मुकुल भाई आप बताइए। मैं बहुत थक चुका हूँ, आंखों में नींद आ रही है और मुझे मिक्सी गोली लेनी पड़ी तभी गलत से। और आप भैया? भाई देखो मजा आ रहा है, कुछ भी करो बस मजा आ रहा है, बस फाइनल डिसीजन ये है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये देखिए हमारे ट्रेन एडवेंचर एंड पीयूष कुमार जो कि अपनी वीडियो की करते हुए ये मिलिए टेक्निकल एम के सिंह। बताइए कुछ कहना चाहोगे आप एक्सपीरियंस? इतने में ये चाहूंगा ये तो सिर्फ ट्रेनर था, खेल तो शुरू होगा। वाह भाई वाह मजा आई। विकास भाई कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं कह सकते आप, ये कह रहे हैं चाय पीने के बाद कहेंगे। ये देखिए हम सब अब मिलते हैं आपको एक इंटरव्यू के बाद, और इसी के साथ हम रुके हैं चाय पीने के लिए देहरादून से थोड़ा आगे। कौन सी जगह है भाई ये? ये देहरादून से करीब 5 किलोमीटर आगे है एक जगह, हम वहाँ रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, लोकेशन देखिए। इसके बाद हम देहरादून से थोड़ा सा आगे चल के हमने एक ब्रेक लिया जिसे हम टी ब्रेक बोल सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया। इसके बाद में हमने मसूरी होकर नहीं गए, हम बाया मसूरी नहीं गए, हम बाया डाक पत्थर होते हुए गए। तो थोड़ा सा वो लंबा रास्ता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाया मसूरी जाना जब भी जाना, क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा वंडरफुल है और आपको नेचुरल ब्यूटी का एहसास ज़्यादा होगा। फिलहाल तो हमने डिसीजन ले लिया था तो हम वहीं से ही गए थे, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आपको देखने को मिलेगा।